ये देखिए, अगर आपका भी पौधा इसी तरीके से है तो मेरी तरह आप भी इस पे दो दो काम कर लीजिए और सिर्फ 7-8 दिन में ये पौधा अच्छे से ग्रो करने लगेगा। तो फिर शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से आपका मेहास वंडरफुल गार्डन में स्वागत करती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल झाड़ी जैसा पौधा हो गया है। अगर आपका भी ऐसे ही पौधा है, छोटी छोटी सी पत्तियाँ आ रही हैं, तो मेरे ही मैं जैसे दो चीज़ करूँगी इस पे, वैसे आप भी करिए। मुश्किल से 7-8 दिन में बहुत ही अच्छा प्लांट हो जाएगा और आपको दूसरा लाना नहीं पड़ेगा। मेरे पास इसमें के दो पौधे हैं, एक नीचे रखा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला जो छत पर रखा था वो अच्छा नहीं है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। मैंने जनवरी में इसमें खाद दी थी लेकिन इस पे कोई असर नहीं हुआ। तो पहले मैं मिट्टी को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरी जो रूट्स हैं नीचे की, ये सब काली हो चुकी हैं। ये देखिए, काली होके सब टूट रही हैं। मिट्टी भी मेरी इतनी फर्टाइल नहीं लग रही है। तो मैं अब सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इस पॉट को खाली करके पहले इसमें देखूँगी कि ये जो ब्लैक रूट हुई है ये कहाँ तक हुई है। तो हम इसमें निकाल लेंगे इसको। थोड़ा संभाल के निकालेंगे क्योंकि रूट जो है वो ब्लैक हो चुकी है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे गमले को ऐसे। से थोड़ा सा चारों तरफ हाथ करेंगे, लगाएंगे तो आसानी से मिट्टी छोड़ देगा गमला। ये देखिए, ये निकल आया। ये देखिए, मेरी नीचे की सारी रूट्स काली हो चुकी हैं, इसीलिए इसमें कोई ग्रोथ नहीं था। तो जितनी काली हुई हैं रूट्स, उन सबको हम हटा देंगे। ये और थोड़ा ऊपर से भी काटेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से रूट्स हो रही हैं। ऊपर की मेरी रूट्स सही है तो मैं बस इतना ही रखूँगी। नीचे की सारी रूट्स मेरी काली हो गई थी। ये देखिए, ये सही है, मैं इतना ही रखूँगी। और इस मिट्टी, ये मिट्टी मेरी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भुरभुरी टाइप की है, तो मिट्टी में यही रखूँगी। और अच्छे से इसको तोड़ के और इसमें जो जितनी रूट्स हैं इन सबको हम अलग कर देंगे। ये देखिए, ये रूट्स हटाएंगे पहले और फिर थोड़े से बड़े उसमें कर लें, फिर इसमें नीचे लगा दें कि देखिए ये मिट्टी तो मेरी अच्छी है, भुरभुरी टाइप की है। फिर हम इसमें मिलाएंगे गोबर की खाद। इसमें 2 मुट्ठी गोबर की खाद होगी। तुलसा जी को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम 1 मुट्ठी डालेंगे नीम की खली। नीम की खली ज़रूर डालें, ये एक अच्छी खाद भी है, प्लस इसमें सूक्ष्म मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, और अगर मिट्टी में कोई फंगस वगैरह होती है तो वो दूर हो जाती है। तो इसको आप अच्छे से मिला लेंगे। फिर देखिए, और कुछ मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसको अभी कुछ और की ज़रूरत नहीं है।
और इसमें हम पहले थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, अच्छे से पॉट को हम फिल कर देंगे और समय समय पर मैं लिक्विड खाद बनाती रहती हूँ तो मैं इसमें डालती हूँ। लिक्विड खाद मेरे चैनल पर दो तीन हैं, अच्छी हैं, इफ़ेक्टिव हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। ऐसे दबा दबा के मिट्टी हम अच्छे से भर देंगे। ये हम पूरी मिट्टी ऊपर तक, क्योंकि अभी वाटरिंग होगी तो ये मिट्टी दबेगी नीचे, तो हम ऊपर तक अच्छे से दबा के फिल करते हैं। अभी मैं वाटरिंग इस पर नहीं करूँगी, मैं एक स्प्रे करूँगी इस पर। फिर मैं, ये देखिए आधा लीटर से भी पानी कम है, और इसमें हम डालेंगे, ये देखिए इतना ही है, इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच यह है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जो लीफी प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अच्छे से इसको बंद करके अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम स्प्रे इस पे करेंगे। अच्छे से पत्ते इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ भीग जाने चाहिए। ये एप्सम साल्ट फ्रूटिंग प्लांट के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अगर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही, पत्ते छोटे छोटे आ रहे हैं, तो इसका यूज़ करिए तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ये ऐसे हम कर देंगे और फिर जो वाटर इसका बचता है वो इसको हम इसकी मिट्टी में डाल देंगे। इसको अभी तो इतनी तेज़ धूप नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक दिन इसको रूट ट्रिम हुई है तो एक दिन इसको शेडी एरिया में रखिए और फिर आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, ये देखिए। और सिर्फ 7-8 दिन में ये अच्छी ग्रोथ करेगा, ये देखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक ही गुड बाय।